नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, विश्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। दुधारू पशु खरीदते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बात है। अरहर के साथ मक्का की लगाई गई फसल में जरूरी कार्यों को करके लें अधिक लाभ। भाइयों, गाय भैंसों का पालन लगातार उभरता हुआ व्यवसाय बनता जा रहा है और बने भी क्यों नहीं, क्योंकि पशुपालकों को इससे अच्छी आय जो मिलती है। डेयरी व्यवसाय को छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर आसानी से किया जा सकता है, लेकिन आपको इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए दुधारू पशुओं को खरीदते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। तो आप पशु खरीदते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांगरणा के पशु विशेषज्ञ एलन वर्मा। एक दुधारू गाय भैंस को खरीदते समय नस्ल के अनुसार उसके बाहें आकार, वंशावली, दूध देने की क्षमता आदि को ध्यान में रखकर पशुओं को खरीदना चाहिए। डेयरी व्यवसाय में पशुओं को दूध देने की क्षमता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए गाय भैंस की खरीदारी करते समय कुछ विशेष जानकारी होना बहुत आवश्यक होता है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे किसान भाई दुधारू पशुओं को खरीदते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की अनदेखी कर देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें आगे भुगतना पड़ता है। तो आप इस तरह की हानि से बचने के लिए पशुओं को खरीदते समय कौन कौन सी बातों को अमल में लाएं, आइए जानते हैं। दुधारू पशु का चयन एवं खरीदारी करते समय अच्छी नस्ल, उसका अच्छा स्वास्थ्य, लंबा ब्यांतकाल, प्रतिवर्ष एक बच्चा और अधिक दूध देने वाली गाय कोई प्राथमिकता देनी चाहिए। अच्छे दुधारू पशुओं को खरीदते समय किसान भाइयों को किन किन गुणों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उसकी शारीरिक संरचना। पशुपालक भाई जब भी पशु को खरीदे तो जैसे गाय और भैंस तिकोने आकार का होना चाहिए, गाय और भैंस की पहचान के लिए उसके सामने खड़े हो जाए, इससे गाय का अगला हिस्सा पतला और पिछला हिस्सा चौड़ा दिखाई देगा। शरीर की तुलना में गाय के पैर एवं मुंह, माथे के बाल छोटे होने चाहिए। दुधारू पशु की चमड़ी चिकनी पतली होनी चाहिए, आंखें चमकीली स्पष्ट और दोष रहित होनी चाहिए, अयन गादी पूर्ण विकसित और बड़ी होनी चाहिए। गाय भैंस के पेट पर पाई जाने वाली दुग्ध सिराहें जितनी स्पष्ट, मोटी और उभरी हुई होगी, पशु उतना ही अधिक दूध देने वाला होगा। इसके अलावा दुधारू पशुओं के अयन पूर्ण विकसित और बड़े होना चाहिए। दूध दोहन के बाद थन को पूरी तरह से सिकुड़ जाना चाहिए। चारों थनों का आकार और आपसी दूरी समान होनी चाहिए। दुधारू पशु को खरीदते समय लगातार 3 बार दोहन करके देख लें। साथ ही पशु की आयु पर भी विशेष ध्यान दें। पशुओं की आयु कम से कम 10 से 12 साल की होनी चाहिए। पशुओं में तीसरे और चौथे ब्यांत तक दुग्ध उत्पादन चरम सीमा पर रहता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे घट जाता है। ऐसे में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय के लिए 2 से 3 दांत वाले यानी कम आयु वाले पशु अधिक लाभकारी माने जाते हैं। पशु बालक भाई उसकी उम्र को सामान्य दशा को देखकर भी पता लगा सकते हैं, दांतों को देखकर भी उम्र का ज्ञात कर सकते हैं, सींग के छल्लों को देखकर भी पशु की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। और पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में अगल बगल के पड़ोसी से जानकारी भी अवश्य लेनी चाहिए। टीकाकरण समय पर हुआ है या उस पशु की क्या बीमारी है, सही सही जानकारी लेना आपके उत्तम स्वास्थ्य पर भरोसा किया जाना है। जनन क्षमता, प्रतिवर्ष एक बच्चा होना चाहिए। पशु क्रय करते समय उसका प्रजनन इतिहास अच्छी तरह जान लेना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कमी हो तो उसे नहीं खरीदना चाहिए।
क्योंकि ये पशु कभी भी भविष्य में समय पर गर्भपात न होने, स्वास्थ्य, बच्चा न होने, प्रसव में कठिनाई होने, इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अथवा जब दुधारू गाय भैंस खरीदे तो दूसरे या तीसरे ब्यांत की ही गाय भैंस खरीदे, और जिस पशुपालक से आप गाय भैंस खरीद रहे हैं उसके पड़ोसी से ये पूरी हिस्ट्री आपको लेनी चाहिए। अंत में किसान भाइयों, जब पशु का चयन करना हो तो ये जो आपको मुख्य मुख्य बिंदु बताए गए हैं उन पर आप सावधानी से गौर करें, और हमेशा इसी तरह का पशु खरीदना चाहिए। और आप पशु खरीदते हैं तो उसी जिस पशुपालक से आप खरीद रहे हैं तो उससे कम से कम 5 से 7 दिन का आहार या आहार की जानकारी पता कर ही आप उस पशु को 5 से 7 दिन तक उसी तरह का आहार दे, जिससे कि उसमें तनाव नहीं हो और दूध उत्पादन उसका बराबर बना रहे। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे, और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई खरीफ मौसम में मक्का की खेती करते हैं, लेकिन कभी कभी अतिवृष्टि, अनावृष्टि या कीट रोगों के प्रकोप के कारण फसल खराब हो जाती है और किसानों को आर्थिक हानि होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे कुछ किसान भाई अरहर के साथ मक्का की अंतर्वर्ती फसल लगाते हैं, जिससे किसी एक फसल में होने वाले नुकसान की भरपाई दूसरी फसल के उत्पादन से हो जाती है। तो आप अरहर मक्का की अंतर्वर्ती फसल में कौन कौन सी जरूरी कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ रतनदीप सोनी। ज्यादा कास्त का रकबा असिंचित क्षेत्र में आता है, ऐसी स्थितियों में इन क्षेत्रों में अंतर्वर्ती फसल ली जा सकती है। अंतर्वर्ती फसल से मतलब है एक ही खेत में एक सीजन में एक से अधिक फसल एक साथ उगाना अलग अलग कतारों में, ये अंतर्वर्ती खेती के अंतर्गत माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अंतर्वर्ती खेती करने के जो फायदे होते हैं, जैसे खेत की तैयारी में प्रारंभिक तौर में पौध संरक्षण में निराई गुड़ाई में कीट नियंत्रण में यदि अंतर्वर्ती फसल में करते हैं तो दोनों फसलों के लिए सामान्यतः एक ही तरह का उपचार पद्धति अपनाई जाती है। इसलिए भी हम इन दो फसलों की खेती एक साथ कर सकते हैं। और दूसरा, फसलें अंतर्वर्ती फसल के रूप में दो ऐसी चुनती हैं जो कि पूरक हों एक दूसरे की, प्रतिस्पर्धी न हो, मतलब कम्पिटिटिव नेचर वाली फसलों को अंतर्वर्ती फसल में नहीं लेते हैं, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री जो एक दूसरे के पूरक फसल के रूप में होती है। उदाहरण के लिए मक्का और अरहर की खेती, जिसे तुअर के नाम से, राहर के नाम से भी किसान भाई जानते हैं। खरीफ की फसल में किसान मक्का की अधिक पैदावार लेने के लिए अरहर के साथ मक्का की फसल उगाकर सह फसली खेती का लाभ ले सकते हैं। मक्का की फसल की बुआई अनाज, भुट्टे और हरे चारे के रूप में की जाती है, जबकि दलहनी फसलों में अरहर की फसल प्रमुख मानी जाती है। इसकी अधिक पैदावार सह फसली खेती से ही ली जा सकती है। खरीफ में तुअर के साथ मक्का की खेती की जा सकती है, और इसके लिए दो कतार तुअर की और दो कतार मक्का की रखी जा सकती है। अरहर की फसल शुरुआत में उसकी बढ़वार कम होती है, लेकिन बाद में उसकी बढ़वार तेजी से होती है। तो वानस्पतिक वृद्धि शुरू में कम होने के कारण जो हमारा मक्का है उसकी बढ़वार अच्छी हो जाती है, उसकी पैदावार भी हमें बेहतर मिल जाती है। और जब ये फसल पककर कटने के लिए तैयार होती है
और उस समय इसको काट देते हैं, उसके बाद फिर अरहर की फसल में वृद्धि शुरू होती है। तो जो मक्का की फसल जहाँ लगी हुई थी वह स्थान में ये पूरी तरह से फैल जाती है और अरहर की एक पूरी फसल हमको उस खेत में मिल जाती है। तो लागत, उत्पादन लागत दोनों फसलों के लिए एक समान हो जाती है शुरुआती तौर पर, बाद में उस फसल को काटना गहाई का भी खर्च आता है उसमें। ऐसा यदि हम करते हैं तो खरीफ की फसल के रूप में हमें मक्का मिल जाती है और रबी की फसल के रूप में हमें अरहर की हो जाती है और कृषि भूमि का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो संसाधनों का उपयोग और खर्चे में कमी दोनों हो जाती है। तो इस तरह से हम करेंगे तो हम फसल अंतर्वर्ती फसल से भरपूर फायदा ले सकते हैं। किसान भाइयों, अरहर और मक्का की फसल में कई तरह के खरपतवारों का प्रकोप होता है जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और अनेक तरह के कीट रोग भी लगने लगते हैं। इसलिए खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली निदाई फसल बुआई के 30 दिन बाद ही की जाती है और बाद की निराइयों को 30 से 40 दिन के अंतराल में करना होता है। और ऐसा करके हम खेत के अंदर खरपतवारों की प्रतिस्पर्धा फसलों के लिए वो कम कर सकते हैं, क्योंकि मक्के की फसल ले रहे हैं इसकी पोषक तत्वों की मांग ज़्यादा होती है, नत्रजन तत्वों की ज़्यादा मांग होती है। तो उसके लिए हम निराई गुड़ाई करके पौधों में हम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग भी मक्का की कतार के बीच बीच में हम कर सकते हैं। ये काम हमको फसल की 30 दिन की अवस्था में करना है। ऐसा करके फसलों की पोषण संबंधी जो खुराक की पूर्ति हम कर सकते हैं। ये वर्षा का कोई ठिकाना नहीं होता है, कब लगातार भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो उस स्थिति में ये जल भराव में जो जड़ क्षेत्र में होगा उससे फसल को नुकसान होता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जल भराव की स्थिति न होने पाए, खेत में यथासंभव स्थिति के अनुसार हमें उसमें कहीं यदि किस खेत के किसी कोने में जल भराव का आभास होता है तो वहाँ से जल निकासी की समुचित व्यवस्था करें ताकि हमारे फसल पौधों की बढ़वार में कोई अंतर ना आए और पैदावार हमारी कम न होने पाए, पौधों की बराबर वृद्धि हो सके। किसान भाइयों, अरहर और मक्का की फसल में कुछ कीटों का प्रकोप अधिक होता है जिसकी वजह से फसलें कमजोर हो जाती है और आगे चलकर इनसे उत्पादन बेहद कम मिलता है। इसलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण उपायों को अपनाएं जिससे फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो सके। तीसरी जो बात होती है इसमें पीड़क कीटों का प्रकोप शुरुआती तौर पर पत्ती काटने कुतरने वाले कीड़ों का अरहर में भी होता है, मक्के में भी होता है। तो इसके लिए हम यदि चाहते हैं कि कीटों का प्रकोप हमारी फसलों में न हो, नुकसान न पहुँचे, तो शुरुआती तौर पर 20-25 दिन की अवस्था में मौसम अनुकूल होने की दशा में ट्राइजोफास नाम की दवा है जिसका भी हम छिड़काव अपने खड़ी फसल में कर सकते हैं। तो अंतर्वर्ती खेती महत्वपूर्ण होती है। किसान भाइयों, इसको कुछ न कुछ रकबा में अपने खेतों में करें और फसल चक्र भी अपनाते रहें, माने खेत बदल बदल के अंतर्वर्ती खेती कर सकते हैं। तो सीमित पानी में भी अधिकतम पैदावार किसान भाई अपने खेतों में सुचारू रूप से ले सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने
अपने राज्य में गोभी वर्गीय फसलों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन इस मौसम में फसल पर शुरू से ही हानिकारक कीटों का प्रकोप होने लगता है, जिसका सीधा प्रभाव फसल की पैदावार पर पड़ता है। इसे समय रहते इन कीटों की पहचान कर रोकथाम करना बेहद जरूरी है। तो आप गोभी वर्गीय फसलों में कैसे करें कीटों की रोकथाम, आइए जानते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम कुणाल से। जैसा कि आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं गोभी वर्गीय सब्जियों में कीट व रोग प्रबंधन के बारे में, तो इसमें बहुत सारी ऐसे कीट और व्याधि का आक्रमण आतंक होता है जिससे कि गोभी वर्गीय सब्जियों में बहुत ज़्यादा नुकसान होती है, जिनमें कुछ प्रमुख कीट हैं जैसे कि आपका एक हीरक पृष्ठ सलभ आता है, डायमंड बैक मॉथ जिसको हम बोलते हैं, वह कीट क्या करता है, पत्तियों के ऊपरी सतह पर अंडे देते हैं, जो कि अंडा हल्का पीले रंग लिए होते हैं। इस कीट की सुंडियां अंडे से बाहर निकलते ही पत्तियों की ऊपरी सतह को कुरेच कुरेच कर खाना शुरू करती है, जिससे फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। ये इस कीट की सुंडियां जैसे ही अपनी अगली अवस्था में जाती है तो जो इसकी जो बड़ी वाली अवस्था होती है जिसको एडल्ट हम लोग बोलते हैं, उसको पहचानने का तरीका है कि हम लोग उसको अगर ऊपरी सतह के जो पंख वाली पोर्शन को हम लोग देखेंगे तो उस पर एक हीरे के आकार का एक चित्र बना रहता है, जिससे इसका नाम दिया गया है डायमंड बैक मॉथ या फिर हीरक पृष्ठ सलभ बोलते हैं। इसके नियंत्रण के लिए अंडे के समूहों को एकत्र कर नष्ट करें। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस 250 LE हेक्टेयर का छिड़काव करें। मेलाथियन 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या स्पाइनोशेट 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। इस कीट को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2:1 के रेशियो में मस्टर्ड और कॉलीफ्लावर का प्लांटिंग करते हैं। जैसे कि दो लाइन अगर हम लोग गोभी का लगाते हैं, उसके बाद एक लाइन में हम लोग सरसों लगा देते हैं। इससे लगाने से फ़ायदा क्या होगा, सरसों की जो फसल है वो अट्रैक्टेंट का काम करता है और जो कीट हमारा जाना चाहिए गोभी के ऊपर में वो सरसों के ऊपर में चला आता है, जिससे हमारा मेन क्रॉप बच जाता है। हीरक पृष्ठ सलभ के लिए बहुत सारे फेरोमोन ट्रैप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 15 ट्रैप प्रति हेक्टेयर के दर से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा मेन फसल पर होने लगता है, तब उस समय हम लोग कार्टप हाइड्रोक्लोराइड नामक एक दवा का इस्तेमाल करते हैं 0.25% करके, उसका जो गोभी है या फिर पत्ता गोभी है उसके ऊपर में हम लोग अच्छे छिड़काव करते हैं, जिससे इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। कीट का आतंक इस पे होता है जिसका कि नाम है मस्टर्ड एफिड, जिसको कि हम लोग सरसों की माहू बोलते हैं। मुख्यतः ये सरसों के ऊपर में इस लाही का आतंक होता है, लेकिन सरसों के ना होने की वजह से ये गोभी वर्गीय सब्जियों में भी इसका आतंक देखा जाता है। माहू कीट ये छोटे आकार के हरे पीले पंखदार व पंख विहीन कीट होते हैं। इस कीट के शिशु एवं वयस्क दोनों ही पत्तियों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। उपज का बाजार मूल्य कम हो जाता है। माहू अपने शरीर से मधु रस उत्सर्जित करते हैं, जिस पर काली फफूंदी विकसित हो जाती है, जिससे पौधों पर जगह जगह काले धब्बे दिखाई देते हैं। इस कीट से लगभग 20-25% तक नुकसान हो जाता है। माहू के नियंत्रण के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं। अगर रासायनिक विधि के अलावा हम लोग बात करते हैं तो एक पीला प्रपंच होता है, जिसमें कि गम एक पीले रंग का एक कार्ड होता है, उसके ऊपर में गम चिपका होता है। अगर उस ट्रैप को हम लोग फील्ड में लगाते हैं, अपने खेतों में लगाते हैं, तो माहू उस पर जाकर के चिपक जाता है, जिससे हम माहू को नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा, इसमें हम लोग इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा, चूंकि ये पत्तियों के रस को चूस करके खाता है, इसलिए हम लोग कोई भी सकिंग इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि हमारा इमिडाक्लोप्रिड है, 1 ml प्रति 3 लीटर पानी मिला करके हम इस चीज़ को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा एक कीट आता है इसमें, जिसको कि कैबेज बोरर बोलते हैं। ये क्या करता है कि गोभी या फूलगोभी जैसी सब्जियां हैं, इसके ऊपरी जो ऊपरी सिरे वाली भाग है उसमें छेद करके उस फसल को नुकसान करते हैं, साथ ही साथ पत्तियों के ऊपरी सतह को खाते रहते हैं, और जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता रहता है इस फसल को। इस कीट्स को पहचानने का तरीका इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि जिसकी नवजात शिशु हैं, उसका जो सिर होता है, आगे का जो मुख वाली पोर्शन होती है वो काली होती है, बाकी पीछे का सारा भाग वो हरा दिखता है।
तंबाकू की सूड़ी के व्यस्क मादा कीट पत्तियों की निचली सतह पर झुंड में अंडे देते हैं। 4 से 5 दिनों बाद अंडों से सूड़ी निकलती है और पत्तियों को खा जाती है। सितंबर से नवंबर तक इसका प्रकोप अधिक होता है। इस कीट के नियंत्रण हेतु हम लोग क्विनल फॉस नामक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विनल फॉस नामक दवा का हम लोग 0.125% प्रति 2 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं इस कीट का नियंत्रण करने के लिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हरिपुरा जिला कोटा के कृषक निरंजन लाल ने। ये रेनगन सिंचाई प्रणाली के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो निरंजन लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। रेनगन इरिगेशन सिस्टम छिड़कवा विधि से सिंचाई करने की एक नवीनतम कृषि तकनीकी है। सामान्य फुहारा के जैसे दिखने वाली ये मशीन रेनगन के नाम से जानी जाती है। इसमें गियर प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया गया है जो खेत में किसी भी एंगल में सिंचाई कर सकता है। साथ ही 360 डिग्री यानी चारों तरफ बरसात के रूप में सिंचाई करने का एक अच्छा और सरल साधन है। सिंचाई का यह साधन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि खेत में किसी भी कोने से 70 से 100 मीटर तक बारिश के तरीके से सिंचाई कर सकता है। इसे एक स्टैंड के सहारे 45 से 180 डिग्री के कोण पर खेत की सिंचाई वाले भाग में खड़ा कर दिया जाता है। इसका दूसरा सिरा पंप सेट की पानी आपूर्ति करने वाले पाइप से जुड़ा होता है। रेनगन में पानी का दबाव बढ़ते ही इसके ऊपरी भाग में लगे फब्बारे से 100 फीट की परिधि में चारों ओर वर्षा की बूंदों की तरह पानी निकलकर फसल की सिंचाई करता है। रेनगन के लाभ। रेनगन से लंबी दूरी और ऊंचाई से पानी गिरने से फसल को पर्यावरण से नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में मिल जाती है। एक रेनगन से जरूरी पावर के साथ से आधे से 1 एकड़ तक की सिंचाई अकेला कर सकता है। लगभग सभी प्रकार की खेती में इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम सिंचाई पानी वाले क्षेत्रों में भी इस तकनीक का प्रयोग कर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। सिंचाई के अन्य साधनों की अपेक्षा इसके माध्यम से आधे से भी कम समय और पानी से खेत की सिंचाई संभव है। समय कम लगने से डीजल और बिजली की भी बचत होती है। देश में बहुत सारी कृषि क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां रेनगन का निर्माण करती हैं और इन सब की अलग अलग कीमत भी होती है। आइए अब नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataRajasthan@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889213 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।